अब बात महाराजगंज की, जहां जिला अस्पताल में प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आई है। दरअसल जिला अस्पताल में शनिवार को 2 घंटे बिजली गुल रही और ऐसे में डॉक्टर्स ने टॉर्च जलाकर इमरजेंसी में मरीजों का इलाज किया। शनिवार को रात 8 बजे से 10 बजे तक बिजली गुल रही। इधर ठंड में इमरजेंसी में इलाज कराने आए मरीजों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा और ये लापरवाही की तस्वीरें आप देखिए। जिला अस्पताल में बत्ती गुल रही, 2 घंटे तक ये बत्ती गुल रही और फोन की टॉर्च के सहारे मरीजों का इलाज करते हुए डॉक्टर नजर आए। महाराजगंज से ये तस्वीरें सामने आई है और ये बड़ी लापरवाही की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं एबीपी गंगा पे। और आप देखिए किस तरीके से जिला अस्पताल का ये हाल है, जहां 2 घंटे तक अस्पताल की बिजली गुल रही और इस दौरान मरीजों को काफी दिक्कतों का सामना तो करना ही पड़ा, लेकिन डॉक्टर्स की लापरवाही आप देखिए कि टॉर्च के सहारे जो मरीज है उनका इलाज करते हुए ये डॉक्टर्स नजर आए। और इन तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं किस तरीके से हाथ में टॉर्च लिए मरीज का इलाज ये डॉक्टरों की तरफ से किया जा रहा है। महाराजगंज से लाइव तस्वीरें, 2 घंटे तक बिजली काफी गुल रही और जिससे जो वहां मरीज थे, मौके पर मौजूद थे, उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। लगभग 2 घंटे का समय बताया जा रहा है जब बिजली गुल रही। बड़ी खबर मिल रही है, ग्रेटर नोएडा सीईओ को 1 महीने का कारावास हो गया है। देखिए 2001 में भूखंड आवंटन के मामले में सीईओ को सजा मिली है। नोएडा पुलिस कमिश्नर को गिरफ्तारी का वारंट दिया गया। उपभोक्ता फोरम ने भेजा है गिरफ्तारी का वारंट। सीईओ पर 2000 का जुर्माना भी लगा, 1 महीने का कारावास भी। 2001 का मामला है, भूखंड आवंटन के मामले में सीईओ को सजा का ऐलान, 1 महीने के लिए कारावास में ही रहना होगा। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रविंद्र जैन इस वक्त फोनलाइन पर जुड़ गए। रविंद्र, ये पूरा मामला क्या था 2001 का, जिस मामले में 1 महीने की कारावास की सजा सुनाई गई है? देखिए 2001 में महेश मिश्रा हैं जिन्होंने भूखंड आवंटन किया था, उस दौरान से ही वो मतलब उनका आवंटन नहीं हुआ था, तो उसको लेकर वो 2005 में उन्होंने मुकदमा जिला उपभोक्ता फोरम में जो है दायर किया। उसके बाद 18 दिसंबर 2006 को जिला फोरम में फैसला पहुंचा कि विकास प्राधिकरण आदेश के अनुसार इन्हें जो है मतलब इनका फ्लैट जो उनका आवंटन था 100 वर्ग मीटर से इनको 2500 वर्ग मीटर का वो कर दे, लेकिन उसको लेकर प्राधिकरण लगातार वादा खिलाफी कर रहा था, उस आदेश की नजरअंदाज कर रहा था। उसको लेकर फिर आज जो है मतलब जो आदेश है जिला उपभोक्ता फोरम ने उसने सुनाया है, जो जो सीईओ है निर्णय प्राधिकरण के खिलाफ कार्रवाई का जो है आदेश दिया है। और चलिए बिल्कुल, बहुत धन्यवाद रविंद्र तमाम जानकारी देने के लिए आपका। तो ये बड़ी कार्रवाई हुई है 2001 के मामले में जिसमें 1 महीने के कारावास की सजा सुनाई गई है। इस वक्त की बड़ी जानकारी का, तो वाराणसी में शीतलहर का प्रकोप देखने को मिल रहा है। कक्षा 8 तक के सभी स्कूल 14 जनवरी तक बंद। जिलाधिकारी एस राजलिंगम का निर्देश, हर बोर्ड से जुड़े सभी स्कूल 4 जनवरी तक बंद। आपको बता दें कि आदेश सभी प्राथमिक विद्यालय, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड और मदरसा बोर्ड आदि पर लागू होगा। देखिए जिलाधिकारी एस राजलिंगम की तरफ से ये आदेश दिए गए हैं। दरअसल स्कूलों की छुट्टियों को बढ़ा दिया गया है। वाराणसी में 14 जनवरी तक स्कूल बंद रहेंगे। कक्षा 8वीं के लिए सभी स्कूल 14 जनवरी तक बंद रहेंगे। पहले छुट्टियां 7 जनवरी तक थी, लेकिन अब इसे एक हफ्ता और आगे बढ़ा दिया गया है। 14 जनवरी तक हर बोर्ड से जुड़े हुए सभी स्कूल 8वीं कक्षा के लिए बंद रहेंगे। शीतलहर के प्रकोप को देखते हुए यह बड़ा फैसला लिया गया है। सर्द मौसम है और लगातार सर्दी बढ़ती जा रही है। कक्षा 8वीं तक के सभी स्कूलों को 14 जनवरी तक बंद रखने का फैसला लिया गया है। 7 जनवरी तक छुट्टियों का ऐलान था, लेकिन अब छुट्टियां बढ़ा दी गई हैं। जिलाधिकारी एस राजलिंगम ने ये निर्देश जारी किए हैं, 14 जनवरी तक सभी स्कूल बंद रहेंगे। तो देखिए लगातार सर्दी बढ़ रही है, तापमान कम हो रहा है और बर्फीली हवाओं की वजह से ये बड़ा फैसला स्कूलों के लिए लिया गया है। और अब एक और बड़ी खबर आपको बता दें, पीलीभीत से। पीलीभीत में डॉक्टर की मौत से हड़कंप मच गया है। घर के भीतर डॉक्टर का लहूलुहान शव मिला। परिजनों ने गला रेत कर हत्या की आशंका जताई है। आपको बता दें कि शव को कब्जे में लेकर पुलिस फिलहाल मामले की जांच कर रही है। थाना हजारा क्षेत्र के रामनगर गांव की घटना है। पीलीभीत से यह बड़ी खबर, घर के भीतर डॉक्टर का लहूलुहान शव मिला जिससे हड़कंप मच गया है। परिजनों ने गला रेत कर हत्या की आशंका जताई है। हालांकि पुलिस मौके पर पहुंची है, शव को कब्जे में लेकर अब आगे की जांच की जा रही है। पीलीभीत का पूरा मामला है, थाना हजारा क्षेत्र के रामनगर गांव की यह घटना बताई जा रही है।
घर के भीतर इस डॉक्टर का लहूलुहान हालत में शव मिला है। इधर परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। और अब खबर है बुलंदशहर से। हाईवे पर दो गुटों के बीच फायरिंग से हड़कंप मच गया। बीडीसी सदस्य के बेटे को गोली लग गई है। दरअसल आपको बता दें, इलाज के दौरान युवक की मौत की खबर है। फायरिंग के बाद हमलावर मौके से फरार। मृतक के पिता ने दर्ज करवाया मामला। 8 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज हुआ है। 8 में से 3 लोग पुलिस की गिरफ्त में। हालांकि मरने से पहले अस्पताल ले जाते समय विकास ने बयान भी दिया था कि उसको गोली बंटी द्वारा मारी गई है। तो देखिए, मरने से पहले ये बयान भी दिया गया था। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर 8 लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। 3 लोगों को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। 5 लोग अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। लेकिन मरने से पहले मृतक ने एक बयान दिया था। दरअसल बुलंदशहर से घटना जहां दो गुटों के बीच फायरिंग से हड़कंप मच गया। बीडीसी सदस्य के बेटे को गोली मारी और इलाज के दौरान इसकी मौत हो गई। फायरिंग से एक व्यक्ति घायल हुआ, जिसको इलाज हेतु कैलाश हॉस्पिटल भेजा गया। दौरान ये इलाज व्यक्ति की मृत्यु हो गई। व्यक्ति की पहचान विकास सन ऑफ श्री गजेंद्र सिंह के तौर पर हुई है। विकास के पिता गजेंद्र सिंह की तहरीक के आधार पर गुलाबटी पुलिस द्वारा मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। नामजद 8 अभियुक्तों में से 3 अभियुक्त पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिए गए। अन्य संदिग्धों की पूछताछ कर रही है। आगे बढ़ेंगे तो मदरसों में गैर मुस्लिम बच्चों के सर्वे की मांग के बाद राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग हरकत में आया है। और आयोग ने फरमान जारी कर मदरसों में हिंदू और गैर मुस्लिम छात्रों को पढ़ाई पर रोक लगा दी है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग यानी कि NCERPC ने दिशा निर्देश जारी किया है, जिसमें देश भर के अनुदान प्राप्त और मान्यता प्राप्त मदरसों में पढ़ने वाले गैर मुस्लिम छात्र और छात्राओं की पहचान कर रिकॉर्ड तैयार करने की बात है। साथ ही उन बच्चों को मदरसों से निकालकर शिक्षा के अधिकार यानी कि RTE के तहत सामान्य शिक्षण संस्थानों में दाखिला दिलाया जाए। UP राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने साफ साफ कहा है कि संस्कृत विद्यालयों में तो मुस्लिम बच्चे पढ़ने नहीं जाते। साथ ही NCERPC ने मदरसों में धर्मांतरण की आशंका जताई है। ये विषय वास्तव में एक जानकारी रखनी भी चाहिए कि मदरसों में हिंदू बच्चे या गैर मुस्लिम बच्चे क्यों पढ़ रहे हैं। हालांकि यूपी मदरसा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर इफ्तिकार अहमद जावेद ने मदरसों में केवल धार्मिक शिक्षा दी जाने की बात से इनकार किया है। केवल धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा रही है, उनको देश का जो मॉडर्न एजुकेशन है वो दिया जा रहा है। शिया धर्मगुरु मौलाना सैफ अब्बास ने तो बच्चों को शिक्षा से वंचित करने के आरोप लगाए हैं। और क्यों नहीं इस बात पे सवाल वो उठाता है कि वहाँ क्यों नहीं कोई स्कूल सरकार की तरफ से बनाया गया कि जो बच्चे मदरसे नॉन मुस्लिम बच्चे मदरसे न जाकर उस स्कूल जाते। यूपी में कई भाजपा नेता आतंकी संगठनों के निशाने पर हैं, जिन्हें धमकियां मिल रही हैं। टीवी स्क्रीन पर दिख रहा धमकी भरा यह मैसेज व्हाट्सएप के जरिए रामपुर से भाजपा सांसद घनश्याम सिंह लोधी को भेजा गया है, जिसमें लश्कर ए खालसा नाम के संगठन ने भाजपा न छोड़ने पर सांसद और उनके परिवार को जान से मारने की धमकी दी है। सुबह करीब 9 बजे भेजे गए इस मैसेज में भाजपा नेताओं और संघ पदाधिकारियों के अलावा भारतीय सेना को भी टारगेट करने की बात कही गई है। जो धमकी भरे जो मैसेज आए हैं तो पहली बार आए, मुझे कभी पहले कभी नहीं आए और ना मुझे कोई इस तरीके में बात रखता हूँ, ना मेरी कोई रंजिश है किसी से और ये जाँच कर रही। पंजाबी और इंग्लिश भाषा में आए इस मैसेज ने पुलिस की चुनौती बढ़ा दी है। हमने एक डेडिकेटेड टीम लगाई है उसके लिए, COCT की SOG की। हम उसमें आगे बढ़ भी रहे हैं, पता लगा रहे हैं उसका और उसमें मजबूत कार्रवाई करेंगे। धमकी भरा ठीक वैसा ही मैसेज उसी नाम और नंबर से मुरादाबाद में भाजपा नेता को भी भेजा गया है। अननोन नंबर से मुझे वीडियो कॉल आई, मैंने वीडियो कॉल नहीं उठाई तो मेरे व्हाट्सएप पर मुझे धमकी आई है, या तो भाजपा छोड़ दे या फिर तुझे मार दिया जाएगा। अब रामपुर और मुरादाबाद पुलिस के सामने धमकी देने वाले शख्स को पकड़ना बड़ी चुनौती बन गया है। हालांकि पुलिस इस धमकीबाज को मुंहतोड़ जवाब। दिल्ली के कंझावला केस का ड्रग्स कनेक्शन भी अब सामने आ गया है। अंजलि की स्कूटी पर पीछे बैठी निधि को लेकर खुलासा हुआ है। वो ड्रग्स तस्करी के मामले में 2020 में गिरफ्तार हो चुकी। ये तस्वीरें दिसंबर 2020 की है। तस्वीरों में दिख रही लड़की को ड्रग्स केस में आगरा कैंट स्टेशन से पुलिस ने गिरफ्तार किया था। दावा है लड़की निधि है, जो कि कंझावला केस में अंजलि की स्कूटी के पीछे बैठी थी और घटना के बाद फरार हो गई थी। हालांकि अभी इस बात की पुष्टि होना बाकी है। अभी जो दिल्ली वाला मामला है वो ये वही निधि है, इस चीज को हम लोग अभी वेरीफाई कर रहे हैं। पुलिस कस्टडी में दिखाई दे रही निधि को 6 दिसंबर 2020 को गिरफ्तार किया गया था। 15 जनवरी को उसे जमानत मिल गई थी। इस मामले में 2 अन्य की भी गिरफ्तारी हुई थी। इस मामले में निधि के वकील रहे मोहम्मद आसिफ आजाद का बयान सुनिए। बता रहे हैं कि निधि हमेशा नशे में रहती थी। हम लोगों ने भी देखा था इसको कि लगातार सिगरेट्स पीना और इस तरह से वल्गर बातें करना, गाली ग्रोच करके लोगों से बात करना, लेकिन वो लगता था कि शायद वो अपने होश हवास में नहीं रहती थी।
फिलहाल पुलिस ने ड्रग्स के एंगल से जांच शुरू कर दी है। पता लगाया जा रहा है कि कहीं कंझावला केस की निधि ही आगरा में ड्रग्स केस में गिरफ्तार निधि तो नहीं। अगर ऐसा होता है तो दिल्ली का कंझावला केस नया मोड़ ले सकता है। जिम में वर्कआउट के दौरान मौत का एक नया मामला सामने आया। लखनऊ में वर्कआउट के दौरान एक डॉक्टर की मौत। जिम के कैमरे में रिकॉर्ड इस तस्वीर को ध्यान से देखिए। 41 साल के डॉक्टर संजीव पाल वर्कआउट कर रहे हैं, लेकिन अचानक ऐसा लगता है कि उनकी तबीयत ठीक नहीं और फिर जिंदगी ने साथ छोड़ दिया। जिम में मौजूद लोगों को कुछ समझ नहीं आता, वो भाग कर आते हैं, उठाते हैं, लेकिन उन्हें समझ नहीं आता अचानक क्या हुआ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी डॉक्टर संजीव पाल की मौत की वजह साफ नहीं। फिलहाल पुलिस ने विसरा सुरक्षित रख लिया है, लेकिन मौत की वजह पर सस्पेंस बरकरार है। इस मामले में डॉक्टर्स का क्या कहना है, सुनिए जरा। जो सेंट्रल जो आपका ब्लड होता है वो बाहरी त्वचा से लेकर के अंदर के सेंट्रल सिस्टम में ज़्यादा कलेक्ट हो जाता है, और जब आप वर्कआउट करते हैं तो वो फिर डाइवर्ट हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में एक हर आदमी का डेथ होना चांसेस रहते हैं। ये पहला मामला नहीं है, इससे पहले जिम में वर्कआउट करते हुए मौत के कई मामले सामने आ चुके हैं। ऐसे में डॉक्टर संजीव पाल की मौत ने चिंता बढ़ा दी है। और एक बार फिर से देश भर में जाति जनगणना को लेकर सियासत शुरू हो चुकी है। बिहार में इसकी शुरुआत के बाद अब विपक्ष ने भाजपा सरकार की घेराबंदी शुरू कर दी और इस मुद्दे पर यूपी बिहार समेत देश भर में सियासत तेज हो गई। बिहार में जाति जनगणना के पहले चरण की शुरुआत के बाद डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने भाजपा पर बड़ा हमला बोला है। भाजपा जो है गरीब विरोधी है, ये लोग नहीं चाहते थे कि जाति जनगणना जो है वो पूरी कोशिश इन लोगों ने की कि किसी भी प्रकार से जो सही आंकड़े हैं लोगों के पास पेश ना हो सके। एक तरफ जहां बिहार सरकार जाति जनगणना को ऐतिहासिक फैसला करार दे रही है, वहीं भाजपा ने इस पर सवाल खड़े किए हैं। वास्तविक सर्वे जो है ये पता नहीं अप्रैल मई कब होगा। मुख्यमंत्री जी जब 2 जून को निर्णय हो गया तो 7 महीना क्यों लगा इसको प्रारंभ कराने में। जाति जनगणना पर बिहार से उठा सियासी तूफान यूपी तक पहुंच गया है। आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने अखिलेश से मुलाकात कर पूरे देश में जाति जनगणना के लिए जन आंदोलन की बात कही है। जो आपके बड़े भाई ने जातीय उन्माद पैदा कर करके जातीय नरसंहार कराते थे उसी पद पर क्यों बढ़ गई। दरअसल बिहार में जाति आधारित जनगणना के पहले चरण की शुरुआत हुई, हालांकि अब जाति के बजाय आर्थिक जनगणना कराने की मांग भी होने लगी है। और चलिए बात करते हैं घड़ी घड़ी घमासान खबरों के तूफान की। जोशीमठ शहर के वजूद पर खतरा मंडरा रहा है और हर बदलते दिन के साथ ही जमीन धंसने की घटनाएं बढ़ रही हैं, दीवारों पर दरारें बढ़ती जा रही हैं। फट रही हैं सड़कें, धंस रही है जमीन, दीवारों पर बढ़ती दरारों की चौड़ाई डराने लगी है। इतना अपनी मेहनत से मैंने खुद किया है ये मकान के लिए, मुझे आज छोड़ने के लिए, मैं जब अपना बिस्तर मैं खुद लेके जा रही हूँ, मुझे खुद भी अच्छा नहीं लग रहा है। खेतों पर दरारों की लंबी कतार है, मकानों पर आपदा ने तबाही की मुहर चस्पा कर दी है। जोशीमठ में जो मंजर नजर आ रहा है उसे देखकर जिंदगी सिसक उठी है। अपने निजी स्वार्थों के लिए लोगों ने ये स्थिति बना दी जोशीमठ की कि रहना मुश्किल। छोटे छोटे बच्चे बूढ़े बीमार हो जाएंगे, वही मर जाएंगे तो कहाँ जाऊंगा। जोशीमठ शहर में सबसे ज्यादा खतरा सिंहधार इलाके में है। पहाड़ की ढलान पर बने आलीशान होटल की तस्वीर देखिए, ये होटल जमीन धंसने की वजह से टेढ़े हो चुके हैं। बड़ी बड़ी मंजिला ये होटल बनाए गए थे, दोनों होटल के बीच में काफी फीट का गैप हुआ करता था, लेकिन भू दशाओ की वजह से दोनों जो होटल है वो आपस में चिपक गए हैं, उनके ऊपर की दीवार आप देख सकते हैं पूरी तरीके से चिपकी हुई है। जोशीमठ शहर के अब तक 600 से ज्यादा घरों में दरारों की पुष्टि हुई है। शहर में डरे सहमे परिवारों के पलायन की तस्वीरें आम हो चुकी हैं। सरकार की ओर से इन परिवारों को सुरक्षित स्थान पर ले जाया जा रहा है। जोशीमठ शहर में हर ओर जमीन धंसने से दहशत का माहौल है। भगवान बद्री विशाल के शीतकालीन प्रवास नरसिंह मंदिर पर भी आपदा की मार पड़ी है और मंदिर की दीवार दरक रही है। ये तस्वीर भगवान बद्री विशाल के शीतकालीन गद्दे स्थल नरसिंह मंदिर की है। मंदिर की फर्श टूट चुकी है, दीवारें दरक रही है। मंदिर की दीवारों पर इतनी दरारें हैं जो कभी भी मंदिर का वजूद खत्म कर सकती है। मंदिर में ऊपर की ओर जाने वाली सीढ़ियों की तस्वीर डराने वाली है। बद्रीनाथ से जुड़ी हुई परंपरा के लिए यह ठीक नहीं है, तो हमारा तो ये मानना है कि इस मंदिर परिसर को भी बचाने के प्रयास किए जाने वर्तमान संदर्भ में बहुत आवश्यक है। नरसिंह मंदिर पर खतरे के बीच सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जोशीमठ का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने मंदिर परिसर का जायजा लिया।
ये हमारे लिए बहुत ही महत्व है, महत्व का कारण भी है। ये एक सबसे पहला मठ यहाँ स्थापित हुआ है पौराणिक रूप से, हर प्रकार से, हर दृष्टि से, देश की सामरिक रूप से भी हमारा बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, इसलिए हम उन सभी पर काम कर रहे हैं। जोशीमठ शहर पर मंडरा रहे खतरे को दूर करने के लिए सरकार एक्टिव नजर आ रही है, राज्य सरकार के साथ केंद्र सरकार भी नजर बनाए हुए है। हालांकि अभी तक कोई समाधान नहीं तलाशा जा सका है। उत्तराखंड सरकार ने पीड़ितों की मदद के लिए अगले 6 महीने तक 4,000 रुपए महीना किराया देने का ऐलान किया है और इसी के साथ ही शहर को बचाने के लिए कार्य योजना पर भी विचार विमर्श जारी है। जोशीमठ शहर की जमीन लगातार धस रही है, ऐसे में लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ रहा है, जिनके पुनर्वास तक धामी सरकार ने प्रभावित परिवारों को किराए पर रहने के लिए 4,000 रुपए की धनराशि हर महीने देने का ऐलान किया है। जो नया स्थान है, अगर वहाँ पर लोगों को पुनर्वास करने की आवश्यकता पड़ती है तो उस दिशा में भी हम काम कर रहे हैं। इसी बीच उत्तराखंड सरकार ने लोगों के पुनर्वास के साथ ही शहर को बचाने के लिए कार्य योजना बनानी शुरू कर दी है। जोशीमठ में बने हालात पर केंद्र सरकार की भी नजर है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने दौरा किया है और बड़ी बैठक की है, सारे काम वहां रोक दिए गए हैं। यहां से केंद्र सरकार हर चीज की निगरानी कर रही है। जोशीमठ को बचाने के लिए इसरो की भी मदद ली जा रही है। इसरो अगले 2 दिन में जोशीमठ में जमीन धंसने की तस्वीरें जारी करेगा। वहीं आपदा की इस स्थिति में IIT रुड़की ने अच्छी खबर दी है। IIT रुड़की के वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर ठोस कदम उठाए जाएं तो शहर को बचाया जा सकता है। 10 साल 12 साल 15 साल पे इस टाइप की घटना पहले भी हुई है, अब चूंकि ज्यादा हो रहा है तो हमें देखना होगा कारण क्या है। IIT रुड़की के वैज्ञानिक लगातार जोशीमठ में पैदा हुए हालात का अध्ययन कर रहे हैं। माना जा रहा है कि जल्द ही कोई समाधान निकल सकता है। और इधर अब जोशीमठ के बाद कर्णप्रयाग में जमीन धंसने की खबर सामने आई है। कर्णप्रयाग के बहुड़ा नगर के 50 से ज्यादा घरों में दरारें दिखाई दे रही है। दरअसल जोशीमठ में जो हालात बने उन्हें लेकर उत्तराखंड में मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस लगातार सरकार को निशाना बना रही है। आरोप है कि जोशीमठ पर मंडराए खतरे के पीछे सरकार की नाकामी है। अब जाके जब 19 दिन हो गए लोगों को मशाल जुलूस करते हुए, सड़कों में सोते हुए और आंदोलन करते हुए, कल सरकार ने थोड़ा हिलना शुरू किया है। इस बीच कांग्रेस नेता प्रीतम सिंह जोशीमठ पहुंच गए हैं। खबर है कि सोमवार को कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल जोशीमठ रवाना होगा, पीड़ित परिवारों से मुलाकात करेगा। वहीं आम आदमी पार्टी भी सरकार पर हमलावर है। अक्टूबर के महीने जो रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट में सरकार को बता दिया गया था कि अब जोशीमठ के बारे में चिंता करो, लेकिन उन्होंने 4 महीने तक सोए रहे। अब दिसंबर में जो है कि हाई पावर कमेटी की बैठक करके विपक्ष के आक्रामक रूप पर भाजपा बैकफुट पर नजर आ रही है। भाजपा के विधायक भी मान रहे हैं कि अगर पहले कदम उठाए गए होते तो आज ऐसे हालात नहीं बनते। 76 में कहीं जाए कोई सर्वे हुआ था और उस समय भी ये कहा गया था कि यहाँ पर बहुत सतर्कता बरतने की आवश्यकता है और ये उत्तराखंड पूरा सेस्मिक जोन है। साफ है कि जोशीमठ में जमीन धंसने की तस्वीरों पर सियासत आसमान छू रही है। धारचूला में भारत नेपाल बॉर्डर पर चल रहा तनाव अब खत्म हो सकता है क्योंकि दोनों देशों की तरफ से इस पर सहमति बन गई है। दरअसल आपसी सामंजस्य से काम करने को लेकर दोनों देशों के अधिकारियों की बैठक हुई और आए दिन हो रही पत्थरबाजी को लेकर चर्चा हुई। नेपाल CDO कार्यालय में हुई इस बैठक में दोनों देशों के बीच शांति से तटबंध निर्माण पर सहमति बनी। उनकी तरफ से, नेपाल की तरफ से उनके लोग CDO ऑफिस में एक सहमति पत्र लेके जाएंगे और जो अभी तक हमारे पास सूचना है कि कल हम अपनी एरिया से कुछ एरिया से थोड़ा सा मलबा हटाएंगे एंड हम आगे गठगाड़ा काम कल से शुरू करेंगे जैसे कि हमने बोला था। इस बैठक में नेपाल देश के धारचूला CDO के साथ वार्ता की गई। आपको बता दें कि उत्तराखंड बॉर्डर पर पिथौरागढ़ जिले के धारचूला में काली नदी पर तटबंध निर्माण को लेकर नेपाल की तरफ से पथराव किया जा रहा था। पिछले 50 दिनों में 12 बार पत्थरबाजी की घटना सामने आई थी। इसके बाद वहां निर्माण कार्य में जुटे मजदूरों को काम करने में परेशानी हो रही थी। दोनों देशों के प्रशासनिक अधिकारियों के बीच कई बार बैठकें और मौके का निरीक्षण करने के बाद भी पत्थरबाजी नहीं रुकी और एक बार फिर दोनों देशों की बैठक में भारतीय अधिकारियों ने घटकोला समेत बाकी क्षेत्रों से मलबा हटाने का आश्वासन दिया है। दरअसल धारचूला में सुरक्षा के मद्देनजर काली नदी के किनारे 77 करोड़ की लागत से 985 मीटर लंबे तटबंध का निर्माण किया जा रहा है, लेकिन नेपाल से हो रही पत्थरबाजी के चलते मुश्किलें हो रही हैं। इधर बीते 9 महीने से फरार चल रहे पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी और उसके बेटे इमरान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली में सटीक लोकेशन मिलते ही मेरठ की क्राइम ब्रांच ने 50,000 के नामी याकूब कुरैशी और बेटे इमरान को आधी रात में दिल्ली के चांदनी महल थाना क्षेत्र से पकड़ा है। अवैध मीट प्लांट पकड़े जाने के बाद याकूब कुरैशी फरार चल रहा था, जिसे अब कोर्ट ने 60 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। दरअसल 31 मार्च 2022 को याकूब कुरैशी का अवैध मीट प्लांट पकड़ा गया, जिसमें मीट पैकेजिंग और प्रोसेसिंग का अवैध कारोबार चल रहा था। इस मामले में मेरठ की खरखौदा थाना पुलिस ने याकूब कुरैशी और उसके बेटों समेत 14 नामजद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था और बाद में गैंगस्टर के तहत कार्रवाई की थी। इस केस में कुछ दिन बाद पहले पकड़ा गया याकूब का दूसरा बेटा फिरोज अभी जेल में बंद है। पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी और उनके बेटे इमरान कुरैशी को
60 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। पिछले कुछ वक्त से लगातार याकूब कुरैशी के अवैध संपत्ति पर कार्रवाई की जा रही थी और अब फिर से 26 जगहों को चिन्हित कर करोड़ों की संपत्ति कुर्क करने की तैयारी है। देखिए, चाहे मीट के अवैध कारोबारी हो या भूमाफिया हो या अन्य प्रकार के अपराधी हो, उनके लिए उत्तर प्रदेश की सरकार किसी कीमत पर बख्शती नहीं है और मैं उत्तर प्रदेश सरकार को बधाई देना चाहता हूँ तो उसको गिरफ्तार किया है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।